मैं कुणाल कुमार पूसा समस्तीपुर से, मेरी आवाज़ सुनो। मैं आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे साथियों सभी का स्वागत करता हूँ। संक्रामक रोग, यह वे रोग हैं जो खांसी अथवा छींक से बनी एवं हवा द्वारा वाहित छोटी छोटी बूंदों से एक मनुष्य से दूसरे में प्रेषित होते हैं। संक्रामक रोग वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एवं प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। बैक्टीरिया से पैदा होने वाले रोग कलरा, टिप्थीरिया, ट्यूब्रोक्लोसिस, लेप्रोसी, टिटनेस, टाइफाइड इत्यादि। वायरस से पैदा होने वाले रोग चिकन पॉक्स, मिजलस, रेबीज, मम्पस, हर्पस इत्यादि। फंगी से पैदा होने वाले रोग रिंगवर्म, एथलीट्स फूड, फुट रोबी इच। प्रोटोजोआ से पैदा होने वाले रोग अमीबाइसिस, मलेरिया, स्लिपिंग, सिकनेस, कालाजार, डायरिया। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, शाम 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो। मैं सुदर्शन कुमार, बनियापुर छपरा सारण से, आदरणीय गुरुजी एवं मेरे सभी ग्रुप साथी, मैं कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। शायद मेरी इस जानकारी से आपको कुछ लाभ हो सके। कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं है। इस रोग से प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। मदिरा की सेवन से प्रतिवर्ष 23 लाख लोग मारे जा रहे हैं। इस बीमारी का आप लोग अपने स्तर से रोकथाम कर सकते हैं, जैसे कि तंबाकू का इस्तेमाल से बचें, मदिरा का सेवन न करें, अस्वस्थकारी भोजन न करें। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरुजी एवं इस ग्रुप के सभी भाई बहनों, मानव शरीर अथवा उसके किसी भी भाग की क्रियाशीलता को हानि पहुंचाने की स्थिति को बीमारी या रोग कहते हैं। कालाजार, डिप्थीरिया, टेटनिस, टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया आदि बैक्टीरिया से पैदा होते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से पैदा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया की खोज 1683 में लीवन हार्ट ने किए थे। बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कमी के कारण होता है। विटामिन का खोज 1912 में सर एफ जी हॉपकिंस ने की थी। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। विटामिन सी का खोज 1912 में फ्रेलिक होल्सट ने की थी। पेसमेकर हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अनामिया शरीर में लोह अपूर्णता के कारण हीमोग्लोबिन में कमी होते हैं। रेबीज टीका की खोज 1860 में लुई पास्टर ने की थी। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। चूहिया में 20 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रिक ने की थी। धन्यवाद। मेरी आवाज सुनो, आदरणीय शिक्षक और ग्रुप के सभी भाइयों एवं बहनों, चिकित्सक के अनुसार गर्भावस्था का कारण पुरुष गैमेटिक एवं स्त्री गैमेटिक के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। गर्भावस्था की वास्तविक अवधि कंसेप्शन के बाद 38 सप्ताह की होती है। वैसे तो गर्भावस्था की शुरुआत कंसेप्शन से ही होती है, परंतु इस की अवधि को स्त्री के पहले मासिक धर्म से नापा जाना ज़्यादा उचित है। नेगिल्स के नियमों के आधार पर गर्भावस्था की अवधि 40 सप्ताह अर्थात 9 माह 6 दिनों की है। जो स्त्री माँ नहीं बन सकती है उसके लिए भी अब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जिससे प्रत्येक स्त्री को मातृत्व सुख मिल सके। इस विधि के द्वारा उत्पन्न संतान को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है।
सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय शहर ग्रुप के सभी साथ, मैं आज कुछ बीमारियों के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही, इसी बीमारियों में से एक संक्रामक रोग है। यह वैसा रोग है जो खांसी अथवा छींक से होती है। हवा एवं वाहित छोटी छोटी बूंदों से एवं मनुष्य से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को प्रभावित करती है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, काला बाजार, डायरिया, स्लीपिंग इत्यादि होते हैं। थैंक्स। मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरुजी एवं मेरे ग्रुप के सभी भाइयों और बहनों, सुपरसोनिक या पाराध्वनि की ध्वनि की गति 1.216 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमारे कान 120 डेसिबल तक का दबाव सहन कर सकते हैं। ध्वनि रोध वह बिंदु है जिस पर उड़ान की गति और ध्वनि की गति एक बराबर होती है। सन 1985 ईस्वी में डॉक्टर अलक जफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का आविष्कार किया। जीन चिकित्सा अनुवांशिक इंजीनियरिंग की एक शाखा है। सन 1796 में एडवर्ड जैनर ने टीका लगाने की पद्धति विकसित की। रेबीज की खोज लुई पाश्चर ने सन 1860 ईस्वी में की। धन्यवाद। सुनो सुनो मेरी आवाज़ सुनो, मैं आदरणीय गुरुदेव और मेरे प्यारे ग्रुप के सभी साथियों का स्वागत है। मैं कुछ ध्वनि प्रभाव के बारे में बोलने जा रही हूँ। ध्वनि के प्रभाव से हमें झलझलाहट और बेचैनी सी होने लगती है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज IU1 ने की। विटामिन बी की खोज 1916 में मैककोलम ने की। संश्लिष्ट प्रति 1 की खोज एवं एंटीजन की खोज 1917 में लैंड एस्टिनर ने की। प्रोटोजोआ से होने वाले वायरस अमीबा वायरस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजर, डायरिया, एड्स, HIV वायरस के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से रौतंभी होता है। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, रात 9 बजे में मेरी आवाज़ सुनो, आदरणीय गुरुजी एवं ग्रुप के सभी साथीगण। ध्वनि की गति माध्यम की प्रकृति के अनुसार बदलती रहती है। हमारा मतलब है ध्वनि वायु या समुद्र तल पर जिस गति से चलती है उसी को ध्वनि की गति कहते हैं। यह गति लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड की होती है। पानी में ध्वनि वायु की तुलना में लगभग 5 गुना तेज चलती है। लोहा और इस्पात में यह गति पानी की तुलना में 3 गुना अधिक तेज चलती है। कुछ चुने हुए माध्यम में ध्वनि की गति की जानकारी यहाँ दी जा रही है। बर्फ का पानी 1505 मीटर प्रति सेकेंड, ईंट 3542 मीटर, ग्रेनाइट 395 मीटर, कठोर लकड़ी 3847 मीटर, सीसा 5000 से 6000 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की गति होती है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो, ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, ये है पिच या आवृत्ति और तीव्रता या प्रबलता। इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। कंपन शील तरंगे प्रति सेकेंड जितनी बार कंपित होती है उसके आधार पर ध्वनि की आवृत्ति आकी जाती है। चक्र जितना धीमा होगा पिच उतनी ही कम होगी। चक्रों की संख्या बढ़ने के साथ पिच अधिक हो जाती है। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल बल का 10वां भाग एक भौतिक इकाई है जो उस हल्की से हल्की ध्वनि पर आधारित होती है जिसे हमारे कान सुन सकते हैं। यह नाम टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया। यह पैमाना लघु गुणकीय है, अर्थात 10 डेसिबल की वृद्धि का तात्पर्य 10 गुना बढ़ोतरी, 20 डेसिबल की वृद्धि का मतलब 100 गुना बढ़ोतरी और 30 डेसिबल की वृद्धि का मतलब है 1000 गुना बढ़ोतरी। एक हल्की फुसफुसाहट लगभग 10 डेसिबल के बराबर, हल्की बातचीत लगभग 20 डेसिबल के बराबर और सामान्य बातचीत लगभग 30 डेसिबल के बराबर होती है। धन्यवाद।
सुनो मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुदेव और मेरे ग्रुप के सभी साथियों। डीएनए की उंगली छाप। जीनों की पहचान में डीएनए सहायक है। यह जीवों के कूट संकेत की जानकारी हमें देता है, अर्थात हर एक जीव को अलग अलग पहचानने की आधिकारिक तथा विश्वसनीय तरीका है। एक व्यक्ति में ही असाधारण रूप में दिखाई देने वाले अनुवांशिक लक्षणों की पहचान के लिए उंगली छाप विद्या का प्रयोग होता है। दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए का पार्श्व चित्र एक प्रकार का नहीं होता। 1985 में डॉक्टर अलग जफरी नामक वैज्ञानिक ने इस विद्या को विकसित किया। करीब दो वर्षों के बाद ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको वैधानिक स्वीकृति मिली। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप साथी, आज मैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। कुछ ध्वनियों के प्रभाव से हमें झल्लाहट और बेचैनी सी होने लगती है। ध्वनि के इस अप्रिय प्रभाव को आजकल ध्वनि प्रदूषण की संज्ञा दी गई है। आज सभी शहरों और कस्बों में ध्वनि प्रदूषण व्याप्त है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। आज इस ध्वनि प्रदूषण के बड़े अपराधी महानगर हैं, जिनका कोलाहल पूर्ण यातायात कानों के लिए अत्यंत हानिकारक हो चुका है। अगर यही हाल रहा तो लगातार शोर सुनते रहने के कारण लोगों के मध्य कान के नाजुक अंग धीरे धीरे खराब होते जाएंगे और वे भीतरी कान तक ध्वनि प्रदूषण प्रेषित करने में सक्षम होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ध्वनि के प्रति शरीर की अनुक्रियाएं शांत हो जाएंगी और बड़ी संख्या में लोग बहरे हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे गुरुदेव और मेरे प्यारे ग्रुप साथियों, मेरी आवाज़ सुनिए। ऐसी कौन सी रोग है जो खांसी अथवा छींक से बनी एवं हवा द्वारा वाहित छोटी छोटी बूंदों से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रेषित होते हैं? संक्रामक रोग। फंगी से पैदा होने वाले रोग हैं रिगवर्म, एथलेटिट्स, फुट रोबी इंच। आँखों का लाल होना, आँखों में बाह्य तत्व का एहसास किसके कारण होता है? ट्रैकोमा के कारण होता है। कैंसर कितने अलग अलग बीमारियों में लाया जाने वाला शब्द है? 200 बीमारियों में लाया जाने वाला शब्द है। किस तकनीक से आंतरिक क्षेत्र की परतें दर्शाई जाती है? टेमोग्राफी। एक्सरे किरणों के आक्रमण उपयोग करने वाली चित्रण प्रणाली है सीटी स्कैन। धन्यवाद। सुनो ग्रुप के साथ गुरुदेव, जीवन शैली से जुड़ी बीमारी। बलवंत जीवन शैली के कारण मनुष्य को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिक युग में अधिकतर काम किसी न किसी वैज्ञानिक उपकरणों या साधन की मदद से किए जाने लगे हैं। इसीलिए व्यक्ति आरंभतल्व जीवन जीने का आदि बनाता जा रहा है। आप परिश्रम और व्यायाम के लिए लोगों के पास समय ही नहीं रहा। इसे नई तरह की बीमारियों ने दस्तक दी। यहाँ जीवन शैली से जुड़ी प्रमुख बीमारियों की जानकारी दी जा रही है। थैंक यू। सुनो मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं ग्रुप के सभी साथियों, मैं रजनी कुमारी समस्तीपुर जिले से आज कुछ इमेजिंग यंत्र और उसके उपयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें मुझसे कुछ त्रुटियाँ हो जाए तो कृपया क्षमा करें। नंबर वन में टीमोग्राफी। टीमोग्राफी से आंतरिक क्षेत्र की परतें दर्शाई जाती है। 3 आयामों वाला 3D चित्र बनाया जाता है। इससे सिस्ट, कैलकुटी या कैंसर जैसे रोगों की पहचान हो सकती है। नंबर टू में सीटी स्कैनिंग। सीटी स्कैनिंग निम्न स्तर की एक्सरे किरणों के आक्रामक उपयोग वाली चित्रण प्रणाली है, जो पेट, छाती, स्पाइनल कार्ड, आंतरिक हेमरेज या ट्यूमर जैसी बीमारियों का पता लगाती है। नंबर 3 में कैट स्कैनिंग। कैट स्कैनिंग कपाल की भीतरी बीमारियों एवं अन्य रोगों की स्थिति का पता लगाने में सहायक होती है।
नंबर फोर में MRI। MRI आंतरिक कोशिकाओं को चित्रण करने के लिए बाहरी चुंबक का उपयोग करती है। जो प्रक्रिया रोगों से उत्पन्न हुए परिवर्तन एवं कोशिका परिवर्धन का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नंबर फाइव में अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड चित्त गुर्दे की पथरी, गॉल ब्लेडर, पथरी फ्लोपियन ट्यूब आदि स्वास्थ्य भ्रूण का लिंग इत्यादि पता लगाने के उपयोग में आता है। धन्यवाद। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय सर एवं मेरे ग्रुप के साथी। बैक्टीरिया से पैदा होने वाले रोग कौन कौन हैं? टाइफाइड, प्लेग, निमोनिया। फंगी से होने वाले कौन कौन रोग हैं? रिंगवर्म, सेथलिट्स, फुट रोविच। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है पेसमेकर। गुर्दे की पथरी, गॉल ब्लेडर, पथरी फाइलोस्फिशियन ट्यूब, आयु, स्वास्थ्य भ्रूण का लिंग इत्यादि पता लगाने में क्या उपयोग होता है? अल्ट्रासाउंड। मस्तिष्क के एक भाग में असाधारण रूप से उत्पन्न हुए वैद्युत प्रभाव के कारण क्या होता है? मिर्गी। विटामिन डी की आपूर्ति के कारण कौन रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन बी थायमाइन, एस्कर्वी, विटामिन सी के कारण कौन रोग होता है? बेरी बेरी। आयोडीन की कमी द्वारा यथोसिकिन हार्मोन का न बनना कौन रोग होता है? गोइटर। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो सर एवं ग्रुप के सभी साथी। जीन जीन केबीज की एक डेविडिस प्रयोगशाला के 24 वर्षीय वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स सी वाटसन और 36 वर्षीय ब्रिटेन के वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रांसिसी एच क्विक ने 2 अप्रैल 1953 को डीएनए की संरचना को रेखांकित किया था। प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका द नेचर के संपादक को 900 शब्दों में लिखे गए संक्षिप्त पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि डीएनए एक द्विकुंडली नुमा रचना है। बाद में डीएनए जैविक जगत का सर्वाधिक चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। डॉक्टर वाटसन और डॉक्टर क्रिक को इस खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में उन्होंने एक सहभागी लंदन के कीच कॉलेज के डॉक्टर मोरीर विकलेंस थे जिन्हें डीएनए अणु का एक्सरे चित्र खींचने में सफलता मिली थी। पृथ्वी पर मानव जीवन के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि जीवन की मूलभूत इकाई न्यूक्लिक एसिड पृथ्वी पर अरबों वर्षों से विद्यमान था। दो कुंडलियों की संरचना वास्तव में जीवन के कुंडलीकार सोपन है। सुनो 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 मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुदेव एवं मेरे सभी सहपाठीगण। मानव शरीर अथवा उसके किसी भाग की क्रियाशीलता को हानि पहुंचाने की स्थिति को रोग या बीमारी कहते हैं। बीमारी के दो प्रकार होते हैं, संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग ही महामारी का भी रूप कभी कभी ले लेता है। कोलेरा, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी आदि ये सभी जीवाणुओं से होने वाली रोग हैं। चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, माइलिटिस, रेबीज आदि विषाणुओं से होने वाली रोग हैं। आँखों का लाल होना, आँखों में बाह्य तत्व का एहसास ही ट्रैकोमा कहलाता है। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुदेव एवं इस ग्रुप के साथियों। ध्वनि रोध वह बिंदु है जिस पर उड़ान की गति और ध्वनि की गति एक बराबर होती है। जब कोई विमान ध्वनि से तेज गति से उड़ता है तो कहा जाता है कि उसने ध्वनि रोध को पार कर लिया है। जब ध्वनि रोध पार हो जाता है तो विमान की गति वायुमंडल में प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती है जिनका स्वरूप लगभग वैसा ही होता है जैसा तेज गति से चलने वाले बादलों, जहाज़ों के अग्रभाग में प्रघाती लहरें बादल की गरज की तरह गूंज पैदा करती है। इन्हें ध्वनि गूंज कहा जाता है। ध्वनि हमारे कान का 120 डेसिबल तक का दबाव सहन कर सकते हैं। इससे
अधिक तीव्रता वाली ध्वनि हानिकारक होती है और हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी, हम ग्रुप के सभी साथियों, मेरी आवाज सुनो। परा ध्वनि अर्थात सुपर सोनिक गति समुद्र तल पर ध्वनि की गति वायु की तुलना में अधिक होती है, यानी यह 1216 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग होती है। पराध्वनि गति मैक इकाई में नापी जाती है। यह इकाई चेकोस्लाविया में जन्मे जर्मन भौतिक शास्त्री अनरेट मैके द्वारा निकाली गई थी। धन्यवाद। मेरी आवाज़ सुनो आदरणीय गुरुजी एवं मेरे ग्रुप के साथी। कैम्ब्रिज के कैंडविश प्रयोगशाला के जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। मॉरिस विल्किंसन ने डीएनए अणु के एक्सरे चित्र खींचने में सफलता मिली। दो कुंडली सोपान ग्लूकोज और फास्फेट के होते हैं। इसमें नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं। थैंक यू।